वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कैंप एक्सरे। दोस्तों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि मोहब्बत एक पत्थर को भी मोम बना देती है। ये भी उसी तरह की दास्तान है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एक दिन पहले अमेरिका के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसके बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा है। अमेरिका की बहुत मशहूर ट्विन टावर को उड़ा दिया गया है और इसमें कई बेकसूर लोगों की जान चली गई है। इस न्यूज़ को देखते हुए एक आदमी बहुत सारे फ़ोन निकालता है, पर वो उसे किसी को कॉल नहीं करता और उसी समय जाकर प्रे करने लगता है कि तभी वहाँ पर कुछ अमेरिकन कमांडोज आते हैं और उसे उठा लेते हैं, जिसके बाद उसे पूरी दुनिया का चक्कर लगवाया जाता है और एक ऐसी जगह पर लाकर बैठा दिया जाता है जो किसी की नज़र में नहीं है। ये असल में एक डिटेंशन कैंप है, जहाँ पर सेल तो है लेकिन खुले हैं, जहाँ पर कैदियों को किसी जानवर की तरह रखा जाता है और इस कैंप को डेटा कैंप कहा जाता है। यहाँ पर हर रात दिन लोगों की ड्यूटी चेंज होती है और हर महीने नए कमांडोज की पोस्टिंग होती है। और यहीं पर उस इंसान को भी बंदी बनाया गया है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। अब सीन कट होता है और हम 8 साल बाद का दृश्य देखते हैं उसी कैंप में, जहाँ पर कुछ नए सोल्जर की पोस्टिंग हुई है जो अभी काफी यंग है, और उसमें एक लड़की भी मौजूद है जिसका नाम है एमी। अब सभी को लाइन में खड़ा किया जाता है और उन्हें इस जगह के बारे में विस्तार में बताया जाता है। सुपीरियर कमांडर रेन सभी से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर 18 घंटे की रोटेशन शिफ्ट पे काम करना है और ध्यान रखना, हर 3 मिनट में तुमको कैदियों के सेल में देखना होगा, कहीं वो खुदकुशी तो ना कर ले, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते और इसीलिए वो ऐसा कदम जरूर उठाएंगे, लेकिन हमारे लिए उनकी जान बहुत ही कीमती है। कुछ कैदी तुम्हें टेस्ट करेंगे क्योंकि तुमसे भी बहुत वो पुराने हैं, कुछ तो तब से यहाँ पर हैं जब तुम लोग हाई स्कूल में थे। वो सभी से एक और बात शेयर करता है कि तुम्हें उन्हें कभी भी प्रिजनर्स नहीं बुलाना है, बल्कि उन्हें डिटेनी कहना है। और हाँ, ख्याल रखना कि ये कोई जेल नहीं बल्कि एक वॉर जोन है, जहाँ पर गोलियां या मिसाइल तो नहीं चलती लेकिन फिर भी ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए सभी चौकन्ना रहना, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अगर तुम लोगों में से किसी को ये लग रहा है कि तुम इन डिटेनी को भागने से रोक रहे हो तो तुम गलत हो। उसके लिए यहाँ पर बहुत ही एडवांस चीजें लगी हुई हैं, तुम्हें सिर्फ उन्हें मरने से रोकना है और यही तुम्हारा असली काम है, और आज से इस काम में तुम लग जाओ। और इसी बीच रेन के वॉकी टॉकी पर मैसेज आता है कि ये कैदी बेकाबू हो गया है, हमें फौरन 4 लोगों की जरूरत है। ये सुनकर रेन इन लोगों की ओर देखने लगता और हंसते हुए कहता है, क्यों पसीना छूट गया ना? तभी अमी हाथ उठाती है और जाने के लिए बोलती है। रेन उसे बताता है कि तुम्हें उसके दाएं हाथ पर पकड़ना है बस बाकी का काम हम कर लेंगे। वो ऐसा ही करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे कि उसे चोट लग जाती है, यहाँ तक कि जाते जाते वो उसके मुंह पर थूक भी देता है, जिससे एमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके पेट पर लात से हमला करती है। अब सब कुछ हो जाने के बाद रेन आकर उसे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है इस कैंप में, फिर वो चला जाता है और एमी स्माइल करते हुए अपने रूम में आ जाती है। ये कहानी कुछ अलग किस्म की है दोस्तों, इसमें आपको किसी तरह की कोई जंग देखने को नहीं मिलेगी बल्कि एक सोल्जर और एक कैदी के बीच में एक बॉन्ड देखने को मिलेगा जो समय के बाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो एक दूसरे के लिए रोते भी हैं। लेकिन ये सब होता कैसा है, यही हमें दिखाने की कोशिश की गई। अब उस रात एमी अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात करती है, उन्हें उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी, लेकिन एमी उन्हें बताती है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, पास में एक सबवे भी है जहाँ जाकर मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ। इसके बाद वो उसे किसी लड़की के बारे में पूछती है, तो वो कहती है कि मैं किसी आर्मी वाले को डेट नहीं करूँगी, जिसके बाद उनकी कॉल कट हो जाती है। हम देखते हैं कि एमी नाइट शिफ्ट के लिए रेडी हो रही है, उसे आज कुछ बुक्स बांटनी है उन कैदियों को, इसीलिए वो स्टॉल लेकर सभी के पास जाती है। उसके कमांडर रेन भी होते हैं, वो पहले एक आदमी के पास जाती है लेकिन वो एमी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है, तो रेन उसे आगे बढ़ने को कहता है और बताता है कि इस बंदे को लड़कियाँ पसंद नहीं है, इसीलिए वो ऐसा ही करता है। इसके बाद एमी अली नाम के कैदी के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई बुक चाहिए, तो वो कहता है कि हाँ मुझे हैरी पॉटर की 7वीं पार्ट चाहिए, तो वो उसे बताती है कि मेरे पास वो बुक नहीं, तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ, पर अली मना कर देता है और बोलता है कि मैंने सारी बुक्स पढ़ ली, अब मुझे वही चाहिए। लेकिन एमी उसे स्टॉल से कुछ और लेने को बोलती है, तो अली बताता है कि इसमें जो न्यूज़पेपर रखा है वो 2 महीने पुराना है और जो बुक्स है उन्हें मैंने कई बार पढ़ लिया है, मैं इतनी पुरानी चीज़ें पढ़कर क्या करूँगा। तभी वहां पर रेन आ जाता और उसे वहां से जाने को कहता है। कुछ दिन बाद फिर से एमी की नाइट शिफ्ट लगती है, इस बारी वो अली से बात ना करने की कोशिश करती क्योंकि ऐसा करना यहाँ पे रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी अली उसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, वो कुछ जवाब नहीं देती, तो अली खुद के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा नाम अली है, मुझे यहाँ पर लोग 771 के नाम से बुलाते हैं, मैं बहुत सालों से यहाँ पर बंद हूँ। वो उसे उसका नाम पूछता है लेकिन वो नहीं बताती, तो अली खुद से उसे नाम दे देता है जो कि होता है ब्लॉन्डी, मतलब ब्लॉन्ड गर्ल। अब इसके बाद वो आगे बढ़ जाती है और कहती है कि हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वो अपना राउंड लगाना शुरू करती है पर वो फिर भी उसे आवाज़ लगाता रहता है।
तभी एमी उसे पूछती है कि क्या तुम अपनी होली बुक पढ़ते हो जो कि कुरान है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ये बहुत बार पढ़ लिया और मैंने तो बाइबल भी पढ़ी है लेकिन उसकी एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई। ये सुनकर एमी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी बुक की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। वाली उसे पानी मांगता है जिसके लिए वो जाती है, तभी उसके साइड वाला कैदी जो कि बहुत ही खूंखार होता है वो उसे उस लड़की के साथ इतने अच्छे से पेश आने के लिए बहुत सुनाता और उसे साथ कुछ बुरा करने के लिए कहता है। तो जब एमी पानी लेकर वापस आती है तो वो उसके ऊपर अपना पूप फेंक देता है। उसके इस बिहेवियर में अचानक से बदलाव आ गया था या एमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत गालियां भी देती है। पर वहां मौजूद सभी कैदी इस चीज के बाद बहुत ही हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, जिसके बाद अली के ऊपर एक स्प्रे मारा जाता है जिससे उसे थोड़ी तकलीफ भी होती है। जब इस बारे में कमांडर रेन को पता चलता है तो अली को पनिश करने का ऑर्डर दिया जाता है। उसे कुछ देर के लिए दूसरे रूम में डाल दिया जाता है और उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। अब अगले दिन पूरा स्टाफ बाहर आउटिंग के लिए जाता है जिसमें एमी भी मौजूद थी। उसे ये समय पसंद आ रहा था इसीलिए वो काफी एंजॉय भी करती है। और जब ये लोग वापस आते हैं तो आर्मी कैंप में पार्टी भी होती है। एमी इसी दौरान काफी ड्रंक हो जाती है इसीलिए वो आकर वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है। वहां उसे कुछ एडल्ट मैगजीन मिलती है जो यहाँ के बॉयज की थी। तभी उसी वक्त माइकल अंदर आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और पूछती है कि क्या ये तुम लोगों की है, लेकिन वो मना कर देता है। पर देन दोनों क्लोज आ जाते हैं लेकिन माइकल बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है इसीलिए एमी उसे धक्का देकर वहां से चली जाती। अब नेक्स्ट डे जब एमी और उसका एक साथी अली के सेल में जाते हैं तो वहां उसे एक ग्लास मिलता है जिसके ऊपर अच्छी कैलीग्राफी की गई थी। अब ये देखकर एमी सोचती है कि जब वो इंसान इतना अच्छा काम कर सकता है तो उसने उसे गलत काम क्यों चुना। वहां उसे एक नोट भी मिलता है जो कि खुदकुशी करने के लिए था, लेकिन अभी तक अली ने खुदकुशी नहीं की। शायद उसका मन बदल गया हो या फिर कोई और वजह हो या फिर एमी ही वजह हो, कुछ बता नहीं सकते। ये 771 को अभी पनिश किया जा रहा है तो वो कहता है कि हाँ। ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगता है लेकिन क्यों, उसे अली के लिए थोड़ी हमदर्दी होने लगी थी और इसलिए वो उसकी केस फाइल पढ़ने के लिए जाती है। उसकी फाइल खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि अली जर्मनी का रहने वाला है। उसका किसी भी आतंकी ग्रुप के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, बस उसे इसलिए यहाँ पर पकड़ लिया गया है क्योंकि US आर्मी को उस पर शक है। और उसे कुछ फोटोज भी मिलती है जो अली के टॉर्चर के टाइम की थी जिसमें वो बुरी तरह से घायल था, उसे सच उगलवाने की कोशिश की जा रही, लेकिन वो बार बार यही बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब एमी इस बारे में अपने साथी से भी बात करती है तो कि यहाँ पर जितने भी डिटेनी बंद है वो सब किसी न किसी केस में पकड़े गए, वो गुनहगार है, शायद तुमने जो देखा है वो गलत है या फिर तुमने कोई पुरानी फाइल पढ़ ली होगी। अब एमी को उसकी बात कहीं ना कहीं सही लगती है और इसीलिए वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन बाद उसकी फिर से सेल के बाहर ड्यूटी लगती है तो वो देखती है कि वो किसी तरह का कोई पजल बना रहा है, पर वो कुछ कहती नहीं है और आगे निकल जाती है। लेकिन अली उसे देख लेता है और ब्लॉन्डी ब्लॉन्डी कहकर पुकारने लगता है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे वही खुद का बनाया हुआ पजल देता है और कहता है कि इसे सॉल्व करके मुझे दे देना, लेकिन एमी ये कहकर मना कर देती है कि ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है इसलिए मैं ये नहीं दे सकती। तो अली बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटा सा पेपर किसी की जान ले सकता है, तुम्हारे देश वाले हर चीज से इतना डरते क्यों है, तुम्हें खुशी से जीना नहीं आता क्या, मैंने तो बस अपनी तरफ से ये तुम्हें गिफ्ट दिया है और तुमसे अच्छे से बात भी कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं कर रही, कि मैंने कल तुम्हारे लिए लाइब्रेरी में हैरी पॉटर की बुक ढूंढी लेकिन वो नहीं मिली। तो बली कहता है कि कोई बात नहीं, जरूरी नहीं होता कि जो चीज़ तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए। पर एमी के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है और चुपचाप वहां से चली जाती। अब इसी तरह से 8 महीने बीत जाते हैं। एमी को अब यहाँ पर रहते हुए आदत सी हो गई है, उसे हर चीज के बारे में पता चल चुका है, वो माहौल में ढल चुकी है। इसीलिए अब जब वो सभी को खाना दे रही होती है तो कोई भी खाना नहीं लेता और इनकार कर देता है क्योंकि उस फ्लोर पर मौजूद सभी कैदियों को हंगर स्ट्राइक चल रही होती है। और इसकी वजह थी उनका एक दोस्त जिसे 650 बुलाते थे, उसे एक मशीन चाहिए थी जो कि आर्मी वाले दे नहीं रहे थे, इसलिए उसके सभी साथी उसके लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। अब एमी अली से खाने के लिए पूछती है लेकिन वो भी मना कर देता है। खैर कुछ दिन बाद उनकी ये स्ट्राइक खत्म हो जाती है क्योंकि उस कैदी को वो मशीन मिल गई थी जो असल में एक वजन कम करने की मशीन होती है जिससे उसके अलावा कोई भी यूज नहीं करता था। अब जब ये चीज एमी देखती है तो वो अली से पूछती कि तुम में से किसी को जब ये मशीन यूज ही नहीं करनी थी तो तुम उसके लिए स्ट्राइक क्यों कर रहे थे। तो अली बताता है क्योंकि वो हमारा दोस्त है और इसीलिए हमने सभी मिलकर स्ट्राइक करी। ये सुनकर एमी हंसने लगती है और फिर दोनों में पहली बार बातें होना शुरू हो जाती है। अली बताता है कि वो फुटबॉल बहुत ही अच्छा खेलता है और वो 40 बार बॉल को बिना नीचे गिराए उछाल सकता है। एमी कहती है कि ठीक है मुझे ये करके दिखाओ। तो अली करना शुरू करता है लेकिन सिर्फ 8 ही बार में वो बॉल गिर जाती है, जिसमें एमी कहती है कि ये तो पहले ही गिर गए। वो कहता है कि वो तुम सामने खड़ी हो ना इसीलिए ऐसा हुआ, वरना मैं तो 50 बार भी उछाल सकता हूँ। वो हंसने लगती है और अली भी हंसने लगता है।
पर दूर खड़े एमी के बॉस रेन को ये चीज पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे बुलाता और पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। पर एमी कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन रेन को पसंद नहीं आता कि वो अली से बात भी करे। वो अली को कहता है कि तुम्हें आज यही नहाना है। अब एमी ये सुनकर वहां से जाने लगती है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन रेन उसे वहीं रुकने को बोलता है। अली ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये उसके धर्म के मुताबिक गलत है, लेकिन रेन नहीं मानता और एमी को जबरदस्ती उसे दिखाता है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और अली को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। अब थोड़ी देर बाद जब वो अपने रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि असल में अरेबिक नॉर्म्स रूल के खिलाफ है और इसके लिए उसे पनिश भी किया जाता है। इसीलिए वो अपने बड़े ऑफिसर जेम के पास जाती है, उसे उस दिन की पूरी सिचुएशन बताती है, लेकिन जेम्स रेन के खिलाफ एक्शन लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एमी का सीनियर है और यहाँ काफी सालों से, वो उसका नाम नहीं खराब करना चाहता था। अब एमी को ये सुनकर बुरा लगता पर वो कुछ कर भी नहीं सकती, इसीलिए वो वापस आ जाती है और अपने कामों में लग जाती है। अब नेक्स्ट डे जब वो खाना खा रही होती है कि तभी उसके पास रेन आता है। उसे पता चल चुका था कि एमी ने उसके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश करी है, लेकिन वो हो नहीं पाई, इसीलिए वो उसे धमका कर वहां से चला जाता है। अब एमी को यहाँ पर दिन काटने मुश्किल हो रहे थे, उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा था कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो गलत है। यहाँ पर उन लोगों को भी कैद करके रखा हुआ है जिनका कोई भी कसूर नहीं है, जैसे कि अली, वो बेकसूर है। अब दूसरे दिन हम अली को देखते हैं जो तैयार होता है और बार बार घड़ी की तरफ देखता रहता है क्योंकि इसी टाइम एमी आती है, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो नहीं आती। तो वो वहां पे मौजूद गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर एक लड़की आती थी, वो कहाँ गई है। वो गार्ड बताता है कि उसकी ड्यूटी अब नाइट शिफ्ट में लग गई है। अब जब एमी रात में आती है तो अली सोता रहता है, इसीलिए वो उसे परेशान ना करके चुपचाप राउंड लगाने लगती है, लेकिन अली को पता चल गया था कि वो आई है, इसीलिए वो उठ जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है। वो उसके पास आती है तब अली पूछता है कि तुम इस टाइम क्या कर रही हो। वो बताती है कि मेरी नाइट ड्यूटी आज से लगा दी गई है, अब तुम सो जाओ, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद वो दोनों फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्यों बंद करा है, जिसके जवाब में अली कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा है, ना ही मैं किसी ग्रुप के साथ हूँ, मैं तो जर्मनी में एक मामूली सी जॉब करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग मुझे यहाँ पर बंद करके रखे हुए हैं। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि वो कहाँ से है, तो एमी बिना किसी झिझक से कहती है कि घर से। वो मजाक करती है उसके साथ, दरअसल आज 14 जनवरी है और अगले महीने एमी यहाँ से जाने वाली है क्योंकि हर साल यहाँ पर नए सोल्जर आते हैं और ये बात अली को भी अच्छे से पता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि उसने अभी तक यहाँ पर 12 साल बिताए, लेकिन उससे अच्छी कोई भी सोल्जर उसे दिखी नहीं, जिसे हम जैसे लोगों के इमोशन की कदर हो, वरना कुछ लोग तो हमें जानवर समझते हैं, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं है, जिनका कसूर है वो खुलेआम घूम रहे। अब एमी उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है, उसके आंसू गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन वो उनको रोक लेती है। लेकिन दोस्तों, अब अली थक चुका है, वो जिंदगी से हार गया है, अब शायद वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वो एक ब्लेड निकालता है और खुद को मारने के लिए बैठ जाता। एमी उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन अली बताता है कि यहाँ पर सभी को पता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं है, मैं थक चुका हूँ ये जिंदगी जीकर। और तब जाकर एमी उसे खुद के बारे में बताना शुरू करती है, जो कि रूल्स के खिलाफ है, लेकिन उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मेरा नाम एमी है, मैं फ्लोरिडा में रहती हूँ। इसके बाद उन दोनों में बहुत सी बातें होती है। कुछ देर बाद एमी वहां से थोड़ा आगे निकल जाती है और वहां जाकर वो खूब रोती है, वो उसके सामने आंसू नहीं निकाल सकती थी। कुछ समय बीत जाता है और वो धीमे कदम से आगे बढ़ती है, ये देखने के लिए कि कहीं उसने सच में खुद को मार तो नहीं लिया। लेकिन अली अभी भी बैठा हुआ था, वो रो रहा था। उसे देखकर एमी भी रोने लगती है और वो उसके दर्द को समझ रही थी कि अपने परिवार से दूर रहना कैसा लगता है। अब एमी उसके सेल का छोटा गेट खोलती है और उसे कहती है कि लाओ वो ब्लेड मुझे दे दो। अली उसे वो सौंप देता है, लेकिन एमी उसका हाथ नहीं छोड़ती क्योंकि उसे पता था कि कुछ दिन में वो दोनों अलग हो जाएंगे। अली बहुत रोता है, उसे उसकी जिंदगी में खुश रहने की दुआ देता है। उधर एमी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहती, उसे इतने ही कम दिनों में अली से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था, उसने उसके लिए सभी रूल्स को तोड़ दिया था बिना किसी झिझक के। उसे बात करने लगी, लेकिन तभी कुछ हलचल होती है और शायद कोई आ रहा है, इसलिए एमी वहां से चली जाती है। अब महीने बीत जाते हैं और अब वो समय आ गया था जब एमी को यहाँ से जाना है। वो आखिरी बार भी अली से नहीं मिलती और ऐसे ही चली जाती है। अब उस दिन एक नया सोल्जर आता है और सभी को पुक देने के लिए। अली उसे वही सब सवाल करता है जो उसने एमी से किया था, लेकिन वो सोल्जर उसे रूडली बिहेव करता है। तभी अली को एक नई बुक उसके शेल्फ पर दिखाई देती है, वो उसे वो बुक मांग लेता है और जब वो उस बुक का पहला पेज खोलता है तो उसमें लिखा था कि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा दोस्त सेप एक अच्छा इंसान है या फिर नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और वो इस लाइन को पढ़कर रोने लगता है, ये लाइन एमी ने लिखी थी। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता और कोने में जाकर बैठ जाता है। उधर एमी भी जाते हुए बिना किसी को दिखाए अपने आंसू को लगातार गिराए जा रही थी।
एक ऐसे इंसान के लिए जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है, बस इतना यकीन है कि वो बेकसूर है। वो भी उसकी तरह एक आम इंसान है। अब एमी अपने पूरे सफर में रोती ही रहती है।